कल के दिन इंडियन मार्केट में करीब करीब 1% की कमजोरी देखने को मिली और वहीं पे ग्लोबल मार्केट में भी 0.25 से लेके 0.5% की कमजोरी देखने को मिली। ये कमजोरी जो आई है मार्केट में, ये करीब करीब 3 से 5 दिन के रैली के बाद आई है। और इसका जो मेन रीजन है वो दो है। एक तो फेड के जो चेयरमैन है उन्होंने एक कंसर्न जताया कि आगे के लिए इन्फ्लेशन काफी ज्यादा रह सकता है और हो सकता है कि फेड को एग्रेसिवली रेट हाइक्स करने पड़े। जो करेंटली वो 0.25 करते हैं उसके बदले वो शायद कहीं पे या कोई एक ट्रंच में 0.5 की रेट कट कर सकते हैं। तो उसको लेके मार्केट थोड़ा अपना स्टैंड कॉशस रखना चाहता है। वहीं पे जो सेकेंड कंसर्न है वो है रसिया और यूक्रेन की वार को लेके, क्योंकि वहां पे भी अभी तक क्लैरिटी नहीं आया है। और जो अभी तक हमें लग रहा था कि कुछ डीएस्केलेशन देखने को मिल रहा है, कल से उसमें थोड़ा एस्केलेशन देखने को मिला है। उन्होंने जिस तरह से नाटो को आग्रह किया कि आप यूक्रेन के ऊपर अपने स्टांस क्लैरिटी दे और आप बताएं कि आप यूक्रेन को आड़ कर रहे हैं कि नहीं नाटो पे, तो ये शायद ग्लोबल वॉर को और ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर को फिर से फ्यूल कर सकता है। तो ये भी एक कंसर्न रहा मार्केट के लिए। वहीं पे अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो कल के दिन, मतलब आज सुबह से हम सबके लिए पेट्रोल और डीजल कीमतों में हाइक देखने को मिलेगा। जो हम लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब होगा हाइक, तो गवर्नमेंट ने करीब करीब 0.80 पैसा इंक्रीज किया है पेट्रोल और डीजल को कीमत में। और हो सकता है कि आगे और भी इंक्रीमेंट्स होगा। जैसे ही ये कीमतें बढ़ने लगेंगे, डेफिनेटली सारे के सारे जो कंपनीज है और सारे के सारे इंडिविजुअल्स है उनके एक्सपेंडिचर पे इम्पैक्ट होगा और इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। तो इससे भी हमें एक कंसर्न हो सकता है। और वहीं पे कल जब इंडियन मार्केट में एफआईज ने भारी बिकवाली की, वहीं पे डीआईज ने ज्यादा परचेज नहीं किया। एफआईज का बिकवाली करीब करीब 2900 करोड़ के आसपास था और वहीं पे डीआईज ने करीब करीब 250 से 300 करोड़ का ही परचेज किया था। आज सुबह से यूएस में फ्यूचर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और वहीं पे एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहा है और शायद हम 40-45 पॉइंट्स पॉजिटिव ओपन हो सकते हैं। बट आज ए ट्रेडर जब आज के लिए आप मार्केट को अप्रोच करेंगे, इट इज आइडियल कि आप मार्केट को पहले 1 घंटा सेटल होने दें और देखें कि मार्केट कहां पे जाता है। अगर मार्केट किसी भी टाइम पे 17,070 के नीचे जाता है तो मार्केट बियरिश हो सकता है और आज के दिन वो 16,900 को भी शायद टेस्ट करे और 17,000 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो सकता है। वहीं पे हायर साइड में जो मैक्सिमम रेंज रहेगा निफ्टी का वो 17,300 के आसपास रहेगा। अगर 17,300 को क्लोज करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आगे के समय में हम 17,500 को फिर से टेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा करीब करीब 35,730 के आसपास। और वहीं पे हायर साइड पे जब तक बैंक निफ्टी 34,400 के ऊपर अपने आप को होल्ड करके सस्टेन ना करे तब तक तो कोई भी लॉन्ग साइड पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और वहीं पे बैंक निफ्टी में आज प्रेशर इसलिए देखने को मिल सकता है क्योंकि जो एफआईएस की सेल ऑफ कल हुआ था वहां पे एचडीएफसी में उतना ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं था। अगर आज वहीं पे एचडीएफसी में सेल ऑफ आए और बाकी बैंकों में सेल ऑफ आए तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी फिर से कमजोर परफॉर्म कर सकता है। अब चलते हैं स्टॉक्सिस न्यूज की तरफ। स्टॉक्सिस न्यूज में जो पहला न्यूज है वो इक्विटास की तरफ से आ रहा है और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर को उनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है और वहां पे करीब करीब 100:231 के रेशियो में शेयर्स मर्ज होंगे। सेकंड हम चलते हैं दीपक नाइट्रेट की तरफ। दीपक नाइट्रेट एक स्टॉक है जो कि हमारे होल्डिंग में है और हमारे पोर्टफोलियोज में भी है। और यहाँ पे इकरा ने इनका जो रेटिंग है रेटिंग को अपग्रेड किया है AA- से AA पे और शॉर्ट टर्म रेटिंग को A+ कर दिया है। तो वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है फॉर दीपक नाइट्रेट। वहीं पे न्यू एज कंपनी जोमाटो ने एक अनाउंसमेंट किया है जहां पे वो 10 मिनट्स फूड डिलीवरी के ऊपर काम करने वाले हैं और वहां पे एक पायलट चलाने वाले हैं। तो शायद ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ऑन द शेयर फॉर टुडे। बट लॉन्ग टर्म पे ये कितना सस्टेनेबल होगा ये हमें देखना पड़ेगा और डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और अपोजिशंस आ सकते हैं। थर्ड नेक्स्ट है REC।
आरई सिक्के बोर्ड ने करीब करीब इस साल के लिए 85,000 करोड़ का डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड इश्यूज के तहत पैसा रीच करने का प्रपोजल को भी एक्सेप्टेंस दिया है। और लास्ट में है एनएचबीसी, जहां पे कि आईपीओ बाउंड एलआईसी ने अपने करीब करीब 2% हिस्सा ओपन मार्केट में एनएचबीसी में सेल ऑफ किया है। तो ये शायद इस स्टॉक में एक नेगेटिविटी लेके आया, क्योंकि इतने बड़े होल्डर या इतने बड़े स्टेक होल्डर अगर इतना ज्यादा शेयर बेचते हैं तो कहीं ना कहीं पे शॉर्ट टर्म पे मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो आज के लिए हम अपने ट्रेड्स कैसे प्लान करें, जैसे हमने पहले बताया था, आज के लिए आप थोड़ा अब मार्केट को सेटल होने से पहले आधे घंटे से एक घंटे, और उसके बाद आप देखिए कि कहां पे मार्केट मूव कर रहा है। अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड पे है तो कहां पे एग्जैक्टली है और वहां से कितना बैंडविड्थ मिलता है। जैसे हमने रेंज दिया है आज के लिए निफ्टी का, जो कि रहेगा करीब करीब 16,900 से 17,300 के बीच, तो कहां कौन से साइड पे ये क्लोजर है। अगर ये 16,900 के आसपास है तो शायद आप इसको एक कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हैं या फिर शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं, जैसे आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग है या जैसे आपकी स्ट्रेटेजीज है ट्रेडिंग का, उसके हिसाब से आप आपके ट्रेड्स ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।